हेलो एवरीवन, चल एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 33 पे आना। देखो, केपीआर लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर एज अंडर, मटीरियल दे रखा है, लेबर दे रखी है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 40,000 यूनिट्स, हाउएवर 40,960 यूनिट्स वर कंप्लीटेड विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, परचेजेस 2,25,000 केजी एट 4.5 पर केजी, मटीरियल यूज दे रखा है, लेबर, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स, सेलिंग प्राइस टू बी सो फिक्स्ड सो एज टू अलाउ मार्कअप ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। पहले मुझे एक बार देख के बताओ कौन कौन से वेरियंस आपको नजर आते हैं। मुझे तो सिर्फ तीन ही नजर आते हैं, मटीरियल, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड्स। चलो मटीरियल और लेबर की एक स्टेटमेंट बनाएंगे। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग वेरियंसेस। पहला कॉलम स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्लिक स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल इनपुट ऑब्लिक एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्लिक स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, मटीरियल लेबर। चलो करते जरा ना बीच का जो पैराग्राफ है वो पढ़ना। बीच का जो पैराग्राफ है, प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 40,000 यूनिट्स, मतलब बनने चाहिए थे 40,000 यूनिट्स, हाउएवर 4960 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, तो एक्चुअल आउटपुट 4960। अब क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये जो मटेरियल आपको दे रखा है 5 केजीज का, ये मटेरियल 5 केजीज का कितने यूनिट्स पे लगता है? एक यूनिट पे। तो एक यूनिट पे 5 केजी, तो 40,000 यूनिट्स पे 2 लाख केजी, 4.2 के हिसाब से 8,40,000। ऐसी लेबर बताओ, एक यूनिट पे 3 आवर्स, तो 40,000 यूनिट्स पे 1,20,000 आवर्स, 3 रुपीज के रेट पे 3,60,000। चलो अब आ जाओ एक्चुअल पे। मेरे को बताओ, आपने परचेज 2,25,000 केजी करा, लेकिन इंपॉर्टेंट है यूज कितना हुआ, और यूज हुआ 2,05,600। बताना आपने ये परचेज जो करा था ये किस रेट पे किया था? 4.5 पे। 925,200। अच्छा, एक्चुअल लेबर लगी 121,200 आवर्स की, 387,840, 3.2। चलो अब करो थर्ड कॉलम, 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 लाख केजी, तो 40,960 यूनिट्स बनाने के लिए 2,04,800 केजी, 4.2 के रेट पे 860,160। ऐसी लेबर करो, 40,000 यूनिट बनाने के लिए 1,20,000 आवर, तो 4,960 यूनिट्स बनाने के लिए 122,880, 3 के हिसाब से 368,640। लो आपकी मटेरियल और लेबर की जो स्टेटमेंट है वो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। चलो पहले सारे मटेरियल वेरिएंस निकालेंगे। कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 860,160, एक्चुअल कॉस्ट 925,200, तो 65,040 एडवर्स। फिर सेकंड प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस 4.2, एक्चुअल प्राइस 4.5, एक्चुअल क्वांटिटी 2,05,600, 61,680,
एडवर्स, ठीक है। चलो थर्ड करो, थर्ड फॉर्मूला लिखो यूसेज वेरिएंस का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,04,800, एक्चुअल क्वांटिटी 2,05,600, स्टैंडर्ड प्राइस 4.2। थ्री थ्री सिक्स जीरो एडवर्स। फोर्थ मिक्स वेरिएंस, क्योंकि एक ही तरह का मटेरियल है तो मिक्स वेरिएंस निल हो जाएगा। और फिफ्थ यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो ये देखते हैं कैसे करना। देखो यील्ड वेरिएंस आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। उससे पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, तो 200,000 केजी का इनपुट करते हो तब जाके 40,000 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर 2,56,000 का इनपुट करोगे तो 41,120 का आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए और हुआ कितना 4,960 इनटू। अब ये बताना मुझे, बताओगे आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितने यूनिट्स का बनाया, 40,000, और मटेरियल कितने रुपए का लगा, 8,40,000 का। तो 8,40,000 का मटेरियल लगा 40,000 यूनिट को बनाने में, तो एक यूनिट को बनाने में 21 रुपए, थ्री थ्री सिक्स जीरो पॉजिटिव आ रहा है एडवर्स। चलो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया आपका यील्ड वेरिएंस, तो मटेरियल के सारे हो गए। अब सेकेंड पार्ट पढ़ो, कैलकुलेट लेबर वेरियंसेस। चलो लेबर वेरिएंसेस निकालते हैं। पहले लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 368,640, एक्चुअल कॉस्ट 387,840, तो वेरिएंस 19,200 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 3.2, एक्चुअल आवर्स 121,200। 24,240 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 122,880, एक्चुअल आवर्स 121,200, स्टैंडर्ड रेट 3। फाइव जीरो फोर जीरो फेवरेबल, ठीक है। नाइन्थ आइडियल टाइम वेरिएंस तो खैर निल हो गया, कोई आइडियल टाइम नहीं है। टेंथ लेबर मिक्स वेरिएंस, वो भी निल हो गया, एक ही तरह की लेबर है। इलेवेंथ लेबर यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो अच्छा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स निकालने से पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। तो मुझे बताओ 1,20,000 स्टैंडर्ड आवर्स लगाते हो तब जाके 40,000 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो 121,200 एक्चुअल आवर्स लगाओगे तो 40,400 एक्चुअल आउटपुट, 4,960 इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट। बताना मुझे लेबर टोटल 3,60,000 रुपए की लगी 40,000 यूनिट को बनाने में, तो एक यूनिट को बनाने में 9 रुपए, 5,040 फिर। तो ये आपके हो गए सारे लेबर के वेरिएंसेस। चलो अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स की। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, कॉलम बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, बजटेड ओवरहेड्स फॉर बजटेड आउटपुट।
एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो एक काम करो, लेबर की स्टेटमेंट देखो और मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 120,000, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 121,200, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 122,880। एक काम करोगे जरा सर, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर मुझे बताओ लेबर, लेबर 3 आवर्स की लगी तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 3 आवर्स के ही लगेंगे, तो 3.6 के फिक्स्ड ओवरहेड्स लगे डिवाइड बाय 3 आवर्स तो 1.2 पर आवर। चलो करो 120,000 इंटू 1.2 144,000 और 122,880 इंटू 1.2 147,456। और बताओगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड 1 लाख, ये आपके आ गए 1 लाख। ठीक है चल वेरिएंसेस करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम करो, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड है 147,456, बजटेड है 144, तो वेरिएंस 3,456 फेवरेबल, ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस। सेकंड पे आओ, सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंडिचर फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड 144, एक्चुअल 1 लाख, तो वेरिएंस 44,000 फेवरेबल। थर्ड ये आपका कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड है 147,456, एक्चुअल है 1 लाख, तो वेरिएंस 47,456 फेवरेबल। ठीक है अच्छा फोर्थ ये आपका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स है 122,880, एक्चुअल आवर्स 121,200, स्टैंडर्ड रेट 1.2, 122,880 माइनस 121,200 इनटू 1.2 2016 फेवरेबल। ठीक है चलो फिफ्थ पे आओ, कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर है 121,200, बजटेड है 120, स्टैंडर्ड रेट 1.2, तो वेरिएंस आपका 1440 फेवरेबल, ये आपका कैपेसिटी। अच्छा रिवाइज्ड कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस आएगा नहीं क्योंकि डेज का केस नहीं है, क्योंकि वो दोनों तब आएंगे जब डेज में डिफरेंस होगा। ठीक है चलो अच्छा मेरे पहले 2 पार्ट क्वेश्चन के हो गए, अब जरा देखना थर्ड और फोर्थ पार्ट नया है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर जून 2007 शोइंग एक्चुअल ग्रॉस मार्जिन। इनकम स्टेटमेंट यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलू ना तो आपको बनानी है कॉस्ट शीट, बहुत सिंपल है, मुझे अपने आप बताना। चलो सबने कॉस्ट शीट बनाई हुई है, स्टार्टिंग की चीज बताओ क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मैं सीधे लिख रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक काम करो मटेरियल की स्टेटमेंट देखो सब, मटेरियल की स्टेटमेंट देखो सब, मटेरियल की स्टेटमेंट, मटेरियल की स्टेटमेंट में सेकंड वाला कॉलम देखना एक्चुअल का, आपने 205,600 केजी कंज्यूम करे थे 4.5 रुपए के रेट पे, तो कितना आया था 925,200। अच्छा रॉ मेटेरियल कंज्यूम में ऐड होती है डायरेक्ट लेबर। अब लेबर वेरिएंस की स्टेटमेंट देखो सेकंड कॉलम, 121,200 आवर्स की लेबर दी 3.2 के रेट पे, 387,840।
चलो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1313040, ये आपकी क्या आ गई प्राइम कॉस्ट। अच्छा प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करते थे बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा आपने एक बात नोटिस करी, इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स थे ना वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही थे। चलो एक काम करो, अब फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस की स्टेटमेंट देखो अपने आप और मुझे एक्चुअल बताना, एक्चुअल ये बताओ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपए के लगे, एक्चुअल 1 लाख के। तो ये आ गया 14,13,040, ये आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा बीच का पैराग्राफ पढ़ो, उसने साफ साफ कहा है ना वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो यही बन गई नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा अब याद करो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में फिर काफी सारी चीजें ऐड होती थी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैकिंग प्राइमरी, है ना, वो कुछ नहीं है। तो मैं सीधे इसी को कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है लेकिन नोटिस करना क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे मुझे बताओ, आपने प्रोड्यूस कितने यूनिट्स करे थे एक्चुअल, 40,960 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे थे जिसमें से 40,000 यूनिट आपने मार्केट में बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 960 यूनिट का। अब आपने करा हुआ है आप मुझे बताओगे सब, या आप मुझे बताओगे क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट पे होता है। तो मैंने आपको कहा था 960 यूनिट की कॉस्ट निकालने से पहले एक यूनिट की कॉस्ट निकालो, यानी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, 14,13,040 की कॉस्ट लगी 4960 यूनिट्स को बनाने में, तो एक यूनिट को बनाने में 34.5, तो 960 यूनिट्स को बनाने में ऐसे निकाल दो। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा इसमें आप फिर ऐड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स कुछ नहीं है वो आ जाता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब क्या ऐड करोगे प्रॉफिट और ये आ जाएंगी आपकी सेल्स। चलो बताओ प्रॉफिट का लास्ट लाइन पढ़ो, सेलिंग प्राइस टू बी सो फिक्स्ड सो एज टू अलाउ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट है 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो इसका 1/4 करो 344,980 और ये आपकी सेल्स आ जाएंगी 1,724,900। बस ये कॉस्ट शीट आपको क्वेश्चन में क्या करनी थी प्रिपेयर, ठीक है। और फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट जो हमारे इस क्वेश्चन का आता है सिंपल सा है वो भी। अच्छा क्या है फोर्थ पार्ट जरा पढ़ना, एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन इन द कंपनी वेयर बाय एम्प्लॉइज आर पेड अ बोनस ऑफ 50% ऑन डायरेक्ट लेबर आवर सेव्ड एट स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट बोनस। अच्छा बोनस का ना फॉर्मूला हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के खुद ही बना लेंगे, पढ़ना। उसने कहा एम्प्लॉइज आर पेड अ बोनस ऑफ 50% किसका, आवर्स सेव्ड का, ठीक है, एट स्टैंडर्ड रेट। बस अबाउट 50% ऑफ क्या निकालना है, आवर्स सेव्ड। एक काम करोगे जरा सब, एक काम करोगे जरा लेबर वेरिएंस की स्टेटमेंट पे आओ, ये देखो लेबर वेरिएंस की स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड कॉलम देखना, मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स लगने कितने चाहिए थे, 122,880, एक्चुअल में लगे कितने 121,200, तो कितने आवर बचा लिए, 1,680 आवर्स बचाए, 1,680 आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट 3 रुपीज था, बस तो बोनस आ गया
20, ये आपका बोनस आ गया। ठीक है, चलो आपका चैप्टर फिनिश हो गया हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका। चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।